हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। क्या आप भी फ्री कोर्सेज करके फ्री में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताया है कि फ्री सर्टिफिकेट किस तरीके से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट में सबसे पहले आप लर्निंग कैटेगरी देख सकते हैं कि आपको कई सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उसके कोर्स करने के बाद फ्री में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पॉपुलर में आप देख सकते हैं कि आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाता है, जो कि टोटल 128 से ज़्यादा कोर्सेज आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि लर्निंग पार्टनर के थ्रू आपको कई सारे सर्टिफिकेट फ्री में दिए जाएंगे। फ्री कोर्सेज की लिस्ट देखने के लिए ब्राउज मोर पे क्लिक करके आप सारे लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट में आपको पेड कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी अमाउंट आप देख सकते हैं। ये कोर्सेज सबसे पहले आपको ख़रीदने होंगे, उसके बाद ये कोर्स करने के बाद आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि आपको इस वेबसाइट के ज़रिए मिल सकता है। इस वेबसाइट में आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही डिप्लोमा भी ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज या ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं तो लर्निंग कैटेगरी में आने के बाद आपको प्रोफेशनल पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे वो सारे कोर्सेज आ जाएंगे, जो कि पेड कोर्सेज भी होंगे, साथ ही फ्री कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं एक्टिव नाउ या सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना होगा, या पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो बाय नाउ पे क्लिक करके पहले ख़रीदना होगा। इस तरीके से आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसे क्लिक करके कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल कोर्सेज करना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, या साइंस से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, वो सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे कि फ्री पॉपुलर कोर्सेज में आपको कोई कोर्स करना है तो उस कोर्स को क्लिक कर लीजिए। जैसे कि COVID-19 का कोर्स करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं नॉकडाउन द लॉकडाउन। आप ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि इस कोर्सेज के बारे में आप सारी जानकारी पा सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब पे क्लिक करके ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सीजन में आप देख सकते हैं कि ये कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना है, ये कोर्सेज के लैंग्वेज कौन सा है, साथ ही कोर्स कौन से फॉर्मेट में आपको मिलेगा वो देख सकते हैं। ये कोर्स में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा या क्या सीखने को मिलेगा वो आप देख सकते हैं। साथ ही इस कोर्सेज के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो भी कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स को क्लिक करके उस कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं, उस कोर्स का ड्यूरेशन देख सकते हैं, उस कोर्स का सिलेबस भी जान सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा और आपको कितने दिन लग जाएंगे ये कोर्स कंप्लीट करने में। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किस तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि हम COVID-19 की कोर्स करने वाले हैं तो हमको इस तरीके के सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप करते हैं उसके नीचे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आप ये कोर्स करने के बाद आपको किस तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक सैम्पल सर्टिफिकेट है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये कोर्स करना है उसके लिए आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना होगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि हम न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। उसके लिए आपको न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे आपको फिल कर देना होगा, या आप गूगल और फेसबुक के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। जैसे कि आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फुल नेम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वही सर्टिफिकेट में भी लिखा आएगा। ईमेल आईडी आप अपना लिख लीजिए, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप माइनर हैं, क्या आप 18 साल से कम उम्र के हैं। अगर आप 18 साल से कम के उम्र के हैं तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको गार्जियन का नाम और उनका ईमेल आईडी लिखना होगा। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो नो पे क्लिक करने के बाद बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे TCS के टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड टाइप करना होगा। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।
जैसे कि हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसी तरीके से आपका डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी कोर्स आपने सब्सक्राइब किया था वो आपके डैशबोर्ड में शो कर देगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कम्युनिटीज़ में आप कम्युनिटीज़ पढ़ सकते हैं जो कि लॉन्च पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कोर्स स्टार्ट होने में 15 मिनट लग सकता है। जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको 15 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद आपके सामने लॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा जिस तरीके से आप कम्युनिटीज़ में देख सकते हैं। और जो भी कोर्स आपने सब्सक्राइब किया है उस कोर्स की डिटेल देखने के लिए आपको प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके स्क्रीन पे कोर्स का डिटेल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जो भी कोर्स का डिटेल अपने डैशबोर्ड से देखना है तो आपको प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कि 15 मिनट होने के बाद आपके सामने ये पेज इस तरीके से शो कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लॉन्च का ऑप्शन भी आ जाएगा 15 मिनट के बाद। साथ ही आप अपना परसेंटेज देख सकते हैं कि आपने ये कोर्स कितने परसेंटेज में कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं कि आपने किस डेट से स्टार्ट किया था और आपका एंडिंग डेट कब तक का है। इस डेट के अंदर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम भी देना होगा, उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो चलिए लॉन्च पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन आ जाएगा जो कि आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको मार्क एड रीड पे क्लिक कर देना होगा। स्क्रॉल डाउन करके आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों ने कैसे कमेंट किए हैं। जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको मार्क एज रीड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने नया आर्टिकल ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिट डे वन देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारे आर्टिकल और वीडियो देखने होंगे, उसके बाद आपको मार्क एज रीड पे क्लिक करके कंप्लीट करते हुए जाने होंगे। इसी तरीके से आप कंप्लीट करते हुए जाएंगे, उसके बाद फाइनली आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपना सर्टिफिकेट ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट में एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। कीप वॉचिंग सुनील टेक पॉइंट।